42 के विनर एलविश यादव अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। शो खत्म होने के बाद से ही एलविश यादव और अभिषेक मल्हान के बीच तानातानी की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एंटरटेनमेंट की मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। शो के अंदर एलविश और अभिषेक के बीच काफी दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद एलविश और अभिषेक को दर्शकों ने एक साथ नहीं देखा है। ऐसे में दोनों के बीच टकराव की खबरें सामने आई थी। एलविश यादव ने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि कुछ लोग जो उनकी नेगेटिव पीआर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नेगेटिव पीआर करने के लिए 25 लाख रुपए का यूज हुआ है। एलविश यादव अपनी नेगेटिव पीआर से परेशान हो चुके हैं और इस नेगेटिव पीआर का कारण अभिषेक मल्हान को बताया है और साथ ही बिग बॉस OTT2 की ट्रॉफी लौटाने की बात भी की है। एलविश यादव और अभिषेक मल्हान की दोस्ती पर मनीषा रानी का रिएक्शन सामने आया है। मनीषा का कहना है कि अगर लोग आपको प्यार कर रहे हैं तो वो आपको बुरा भी कहेंगे। साथ ही उन्होंने एलविश यादव को पॉजिटिव और खुश रहने की सलाह दी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।